अमरावती नागपुर महामार्ग क्रमांक 6 पर नागपुर से अमरावती की तरफ जा रही मोटरसाइकिल से नागपुर शेष नगर मानेवाड़ा निवासी कुलदीप प्रताप जाधव की अज्ञात कारणवश मृत्यु होने की घटना सामने आई है। यह घटना कारंजा से समीप थाने गांव नजदीक महामार्ग पर हुई है। इस घटना का सविस्तर वार्ता यह है कि दिनांक 11 फरवरी 2021 को सवेरी 11 बजे के करीब थाने गांव नजदीक मृतक कुलदीप को अपनी तबीयत में बिगाड़ नजर देखते हुए उसने अपनी मोटरसाइकिल महामार्ग के समीप लगाकर खेत की झाड़ के नीचे विश्रांति लेनी चाहिए, इसमें उसकी आकस्मिक मौत हो गई। ऐसी परिसर में चर्चा है और यह भी कहा जा रहा है कि उसकी हृदय विकार से मौत हो गई है। इस घटना की जानकारी प्राप्त होते ही कारंजा पुलिस के सहायक पुलिस उपनिरीक्षक यशवंत गोहत्रे और पुलिसकर्मी गुड्डू थूल इन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। इस घटना की आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। आज दिनांक 11/2/2021 रोजी पुलिस स्टेशन कारंजा येथे फोनद्वारे पंकज पडसरामजी रेवतकर राहणार ठाणेगाव यांनी माहिती दिली की त्यांच्या शेताजवळ एक इसम मृत अवस्थेत पडून आहे। या माहितीवरून आम्ही स्वतः घटनास्थळी गेलो असता घटनास्थळी एक इसम मृत अवस्थेत पडून दिसला। रोडवर त्याची बाईक क्रमांक MH 49 AW 8206 ही पण उभ्या स्थितीत होती, त्यामुळे आम्ही पंचनामा कारवाई करून मृतकाचे शव ताब्यात घेतलेले आहे। मृतकचे नाव कुलदीप प्रतापराव जाचक राहणार शेष नगर मानेवाडा नागपूर असे असून पुढचा तपास सुरू आहे। BCN न्यूज के लिए कारंजा घाडगे से रुपेश मस्के की न्यूज़।